Can you see the screen, please? Yes, sir. So may I start? Yes. So yesterday we have seen that nuclear fission, it is a nuclear reaction, which is chain reaction, which takes place continuously due to the production of secondary neutrons. Am I correct? And yes, due to the chain reaction, uncontrolled energy is released, which is dangerous for the human being. Simplest example of this uncontrolled chain reaction is which one? Hiroshima Nagasaki. Atomic bomb. Atomic bomb. Am I correct? Yes. Therefore, is it so that if the nuclear fission, it is a explosion or it is a chain reaction, therefore fission, it is to be avoided completely? No. We want the energy. We want the energy. Therefore, the energy, it is to be obtained in the control level. Am I correct? Yes. And therefore, to obtain the energy from the fission with a control rate, a particular type of device is used, and that device is called as nuclear reactor. Nuclear reactor. This we have seen up till now. Now, what is nuclear reactor? We understand, but it is a device. Therefore, it is consisting of certain constituents. Kuch part, kuch element ka bana hai. We here, here today we will try to complete this chapter, and for that one, constituents of nuclear reactor, as I have already explained yesterday, kitne constituents rehte uske? Panch. Aur uska use kya hai? Aur dusri ek reaction hum yahan par dekhenge. Fissionable substance. क्या कौन रहता फिजनेबल सब्सटेंस के, कल बताया था अमूमन सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजनेबल मटेरियल जिसको फ्यूल बोलते हैं, कौन रहता अमूमन? यूरेनियम. नंबर दो मॉडरेटर. क्या काम है मॉडरेटर का? द फंक्शन ऑफ द मॉडरेटर इज स्लो डाउन द हाईली एनर्जी न्यूट्रॉन्स विच आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस. अपन क्या बोले, फिजन जब होता तो क्या पैदा होते? फिजन जब होता तो क्या पैदा होते? न्यूट्रॉन्स. सेकेंडरी न्यूट्रॉन. सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स. तो ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स एनर्जी के साथ पैदा होते, तो इनकी एनर्जी कम करना या उनको स्लो डाउन करने के वास्ते मॉडरेटर है. जैसा एग्जामिनर ने चेक करे बाद मॉडरेटर कैसा दोबारा चेक करता, तो वैसा फिजन के अंदर जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स पैदा हुए और उनकी एनर्जी ज्यादा है, तो उनकी एनर्जी को क्या करता, थोड़ा सा वो कम करता. तो दैट, उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स विच आर प्रोड्यूस इन द फिजन ऑफ यूरेनियम 92-235, ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल कौन, खासतौर पे हेवी वाटर D2H, जैसे H2O वाटर है ना, वैसे हेवी वाटर क्या है? D2H या ग्राफाइट या बेरिलियम. ये सब्सटेंसेस किसके अंदर डाल के, किसके अंदर डालने के, यूरेनियम के साथ मिक्स करने के, तो काय का काम अंजाम देते, वो किसका रूल अदा करते? मॉडरेटर का. हैव यू गॉट? यस. दे मींस द सब्सटेंसेस लाइक हेवी वाटर, ग्राफाइट, बेरिलियम, if it is used in mixture with the uranium 9235, they act as a moderator and means they slow down the energy of the neutrons which are produced in the fission. Kyunki ye fission ke andar paida hue neutronic chain reaction ko bahut der tak qayam rakhte, is waqt inko thanda kar dena, inko thoda sa slow down karna, bol ke kya istemal karna aapne, heavy water, graphite या बेरिलियम, ये अगर इस्तेमाल करें तो ये किसका रूल अदा करते हैं, किसका पार्ट निभाते हैं? ये मॉडरेटर का. ठीक है. नंबर तीन क्या बोला था मैंने? न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर. तो रिफ्लेक्टर, बाय द यूज ऑफ रिफ्लेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ रिएक्टर
लीकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी वेरी मच रिड्यूस एंड न्यूट्रॉन फ्लक्स इन द इंटीरियर कैन बी इंक्रीज. मटेरियल ऑफ हाई स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड लो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन. अब क्या करना है, ये क्या है हमारा रिएक्टर, क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, बराबर है. तस्वीर करोगे कुछ तो भी ऐसा है बना हुआ है कि नहीं, ऐसा तस्वीर करोगे ऐसा कुछ तो भी बना हुआ है. ये रिएक्टर है, यहाँ यूरेनियम है अंदर. तस्वीर करो आप रिएक्टर बोलते यहाँ अंदर चढ़ो ना सारा काम. यहाँ कौन है, यूरेनियम. यूरेनियम है हमें करेक्ट. तो इसके अंदर ये यूरेनियम के अंदर क्या मिला दो, पहले तो मॉडरेटर मिला दो, उन्हें कम कर देगा. दूसरा क्या करो, ये जो सरफेस है ये मेरा पेंट, ये दिख रहा मेरा, यस कैन यू सी, यस सर आप मेरा ये देख रहे कर सर, ये जो सरफेस है ना ये सरफेस को क्या करो, यहाँ पे न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर मिला दो, क्योंकि यहाँ जब प्रोसेस होती तो न्यूट्रॉन निकलते, न्यूट्रॉन निकल के कहाँ जाएंगे, पहले शुरू हुआ अंदर की बाउंड्री को टकरेंगे ना, कमरे की दीवारों को अंदर अंदर से, अपन प्लास्टर कैसे अंदर से और बाहर से मारते, तो अंदर वाले प्लास्टर को क्या करो बोलता, किसके, न्यूक्लियर रिएक्टर के ये हिस्से को क्या लगाओ, कैसे जो है तो उसको कोटेड करो, ऐसे मटेरियल से कोटेड करो जो न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर मटेरियल है, मतलब उसमें से न्यूट्रॉन पास नहीं होते बल्कि और वापस आ जाते, किसके अंदर आ जाते, यहाँ आ जाते, यहाँ पे कोट करो बोलते, यहाँ पे, यहाँ पर जो है तो ये कोटिंग जो है ना बाउंड्री की, ये यहाँ, यहाँ पे क्या लगाओ, ऐसा क्या मलो, क्या लिपो, न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर मटेरियल, न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर यानी कि जो रिफ्लेक्ट करता न्यूट्रॉन एब्सॉर्ब नहीं करता, तो क्या होगा, फिजन के वक्त जो न्यूट्रॉन इमिट होंगे वो लॉस नहीं होंगे, बाहर नहीं जाएंगे, या तो सारे के सारे अगर बाहर चले गए एब्सॉर्ब हो गए तो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स करने को एनर्जी चाहिए रहेगी, हमको तो न्यूट्रॉन भी होना, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स भी होना, फिजन भी होना, एनर्जी भी पैदा होना, खाली क्या नहीं होना, एनर्जी ऐसे फटाक से धमके के साथ नहीं होना खाली, है कि नहीं, ये मकसद है ना अपना रिएक्टर का, बराबर है साथ, यस. तो फिर क्या करो, यस सर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदरूनी हिस्से को कैसे कोटेड करो, कैसे लिप दो विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर मटेरियल रिफ्लेक्टर, तो इसके नतीजे में क्या होगा, द न्यूट्रॉन्स विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फिजन इनसाइड द रिएक्टर दे विल बी गेट रिफ्लेक्टेड बाय दैट मटेरियल एंड दे कम अगेन इनटू द फ्यूजन सो दैट टू कैरी आउट द फर्दर फ्यूजन प्रोसेस. आ गया समझ में, दो तीन पार्ट, दो पार्टनरों का काम, तीन पार्टनरों का काम, पांच है ना टोटल, तीन का बता दिया. हाँ सर. अब चौथा क्या है भाई, जब ये अंदर ये काम चल रहा है यहाँ पे पूरा भट्टी बंधी हुई है यहाँ पे, क्या होगा जी पूरा ये यहाँ पे आग लगी हुई है पूरा गरम गरम हो रहा है, यहाँ से एनर्जी निकल रही है, न्यूट्रॉन निकल रहे, ये कैसी रहेंगी साइड इसकी, गरम रहेंगी, गरम रहेंगी. तो फिर क्या होगा, गरम रहे तो आजू बाजू मसला पैदा हो सकता, और घड़ी कंटिन्यू आपने देखे होंगे वो लोहे की दुकान के ऊपर जब वो लोहे से काटते तो साइड से पानी की ऐसा सलाइन रह दी, सलाइन की ट्यूब रह दी अपनी, उससे पानी डालते थे जहां ऐसा काटते गए लोहा, तो इधर से जो है तो सलाइन के उसमें से टीप 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 टाइप पानी आते रहता, अपना जो वो बनाते अपन, यस सर, तो उसमें पानी गिरते रहता काय के वास्ते, कि भाई काटते वक्त तो गर्म हो जाता ना, जरा ठंडा होना पड़ेगा, नहीं कैसा पानी, इधर अपन गाड़ी के तो देखे हो ड्राइवर पानी डालता रास्ते में कहीं तो भी, यस सर, काय के वास्ते वो मोटर गर्म ही बोलता, हाँ, है ना करेक्ट. तो वैसे यहाँ पर भी क्या होगा जी, रिएक्टर के अंदर रिएक्टर भी भाई बना हुआ है ना, ऊपर से लोहा ये ऐसा बना हुआ है, लेकिन अंदर तो क्या भड़क रहा, अंदर क्या हो रही, कौन सी रिएक्शन हो रही, फिजन हो रहा. फिजन में क्या होता मालूम अपने को, क्या होता, न्यूक्लियर वो ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन वो होते हैं, इमिट होते हैं, इमिट होने से एनर्जी निकलती है कि नहीं, फिजन प्रोसेस कंटिन्यू चालू है, मतलब एनर्जी रिलीज होते जा रही, तो गर्म होंगे कि नहीं, और जरा ये गर्म हुआ तो एक आधे वक्त ये टूट के बाहर निकल जाएगा, ज्यादा गर्म हुआ तो, है कि नहीं, जिससे ढके उसको, तो फिर क्या करना, उसको कूल करते रहना थोड़ी थोड़ी देर को, अरे समझ में बात नहीं क्या बोल रहा हूं, तो यस, तो फॉर द कूलिंग सिस्टम द हीट इवॉल्व इन द रिएक्टर कोर द फ्यूजन फ्रेगमेंट्स विच वेर देर स्लो डाउन इन द फ्यूजनेबल सब्सटेंस द कूलेंट आर हीट ट्रांसफर एजेंट, यानी कि हीट ट्रांसफरेंट
ट्रांसफर एजेंट के नाम पे या कूलेंट के नाम पे वाटर या स्टीम ऑफ वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड या कोई ऐसा एक मटेरियल जो है तो क्या करो, ये भी इस्तेमाल करो, ताकि क्या होगा जो गर्मी पैदा हो रही, जो गर्म गर्म हो रहा हो क्या होगा, जरा थोड़ा सा ठंडा होगा, ठंडा हो जाएगा। तो वो जो ठंडा होने के वास्ते जो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, वुमन क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ वाटर या स्टीम, बोलते हैं हवा करो, थोड़ा सा गर्म हो गया, बहुत लोहे का टुकड़ा अगर गर्म हो गया बाद थोड़ा सा हवा करके हाथ में ले सकते ना अपन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन्हें काय का काम करेंगी, सिस्टम को कूल करने का काम करेगी। आ गया समझ में चार? यस। पहला कौन सा था, फ्यूल, कौन इस्तेमाल होता, यूरेनियम। दूसरा कौन था, मॉडरेटर, क्या काम करता, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता। तीसरा क्या था, न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर। यस। और चौथा क्या था, कूलिंग सिस्टम। और पांचवा क्या था, कंट्रोल एंड सेफ्टी सिस्टम। ये पूरा जहां काम चल रहा है, ये कहीं तो भी चलता होगा ना, एक आधे लैब में, एक आधी जगह पे। अब ये फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन क्या करती, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स पैदा करती, एनर्जी पैदा करती, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती, बहुत सारे पार्टिकल इमिट होते, तो क्या होगा बाबा, वो पूरा जो माहौल रहेगा जिस कमरे में काम चलेगा, जैसा पुणे के इंजन चलने लगा धूम आवाज आता, या जहां पे पुणे जो है तो तुम्हारे ये रखे जनरेटर रखे या कोई मशीन का काम चलने लगा, तो कैसे गर्म होती है। आप अगर कहीं गए होंगे आइस फैक्ट्री में गए होंगे, या अगर आप न्यूक्लियर प्लांट के उस पर गए होंगे, तो रूम कैसा रहता, गर्म गर्म रहता है कि नहीं, वहां पे काम करने वाले कुछ ऐसा लगा के करके जाते, क्यों बाबा, क्योंकि उनको मालूम है वहां से पार्टिकल रिलीज होते, अलग किस्म की गैस रिलीज होती, ये ह्यूमन बीइंग के वास्ते डिस्टर्ब है कि नहीं, यस। ताकि ये जो दूसरे चीजें आ रहे हैं वो कंट्रोल करना, और ह्यूमन उसके अतराफ काम करने वाले जो साइंटिस्ट है, वर्कर है, उनको तकलीफ नहीं पहुंचना, इसके वास्ते सेफ्टी मेजर्स लेना पड़ेंगे ना, सेफ्टी मेजर, तो उसको बोलते कंट्रोल एंड सेफ्टी सिस्टम। इसके वास्ते क्या करते, द कंट्रोल सिस्टम इनेबल द चेन रिएक्शन टू बी कंट्रोल्ड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्पॉन्टेनियसली रनिंग अवे, एंड दिस इज पुशिंग बाय कंट्रोल रॉड इनटू द रिएक्टर। रिएक्टर के अंदर क्या डालना, इसके वास्ते कंट्रोल रॉड डालना, ताकि ये जो न्यूट्रॉन पैदा होंगे वो एब्सॉर्ब हो जाएंगे, इसकी वजह से रिएक्टिविटी कट डाउन हो जाएंगी, और इसके नतीजे में ये होगा कि सेफ्टी सिस्टम प्रोटेक्ट द स्पेस सराउंडिंग द रिएक्टर अगेंस्ट इंटेंस न्यूट्रॉन फ्लक्स, और जो गामा रेज इमिट हुए उससे भी जो है तो इंसान बच सकेगा, उसके बाजू के काम करने वाले लोगों का जो है तो क्या होंगी, सुरक्षा होंगे। उसको क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल सेफ्टी सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम या सेफ्टी सिस्टम के तौर पर हम उसको बोले। एम ए करेक्ट, यहां तक बात समझ में आई, किसके थे पांच, ये रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के। यस, न्यूक्लियर रिएक्टर। चलो आगे। यस, देखिए पावर रिएक्टर है, ये पावर रिएक्टर की है, अपने जो पांच देखे ना वो सब इसके अंदर कैसे हैं, ये हॉट लिक्विड ठंडा करने के वास्ते, ये अंदर यूरेनियम, ये बीच में डाले हुए रॉड, और ये पूरी शील्डिंग साइड से, और इस तरह ऐसा स्टीम करके बाहर आके इस तरह से अपने को ये वाटर अंदर जाएगा, और पंप से जो है तो अपने को क्या मिलती, इलेक्ट्रिक जनरेटर। आपने कभी परली का देखे क्या, परली में था ना कभी, गए तो देख लीजिएगा। तो दिस इज द स्केच डायग्राम ऑफ द हीट जनरेटर पावर रिएक्टर। कौन सा रिएक्टर है, ये बिजली के वास्ते इस्तेमाल है, पावर रिएक्टर है, ठीक है। चलो आगे। यस सर। ये उसकी जो है तो पावर रिएक्टर के अंदर कौन कौन सी इक्वेशन होती, कौन सी रिएक्शन होती बाबा अंदर, फ्यूजन क्या रहता, फ्यूल के तौर पर क्या रहता, यूरेनियम, क्या गिराना उसके ऊपर, न्यूट्रॉन, क्या होगा यूरेनियम 92 to 39 हो जाएगा 38 का, फिर गामा रेज होंगे, फिर ये प्रोसेस होंगी, फिर बीटा रेज, ऐसी चैन ये चलते रहेंगे, यानी कि ब्रीडिंग होती रहेंगी, ब्रीडिंग समझता ना, ब्रीडिंग किसको बोलता है, उन पैदावार को, यानी मतलब ये प्रोसेस चैन चलती रहेगी।
अच्छा यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर समझ में आ गया क्या आपके? कल से समझा रहा था, चलो साथ आगे। यस सर। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कहां कहां इस्तेमाल है, यूज क्या कहां है, तो अभी बताया न्यूक्लियर पावर काय के वास्ते, क्या पैदा करने के वास्ते न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल करते हैं, पावर पैदा करने, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी। परली में है और कहीं कोयना में है, सुने होंगे ना कोयना का? नहीं। हाँ कोयना में भी पावर प्लांट है ना, बिजली कहां से आती है अपने को? कोयना, कोयना परली का तो छोटा है, कोयना का बहुत बड़ा है, जहां जहां पानी की ज्यादा जो है इफरात रहती है उस एरिया पर बनाते हो। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का कहां का यूज है वो बता रहे, कहां पे है न्यूक्लियर पावर एक है यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करने के लिए, दूसरा कहा प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूज इन प्रोड्यूसिंग द लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स, अलग अलग आइसोटोप लगते ना, जैसे सोडियम 1123 सोडियम का एक आइसोटोप है, इसके अंदर फ्यूजन जब हो जाएगा तो उसका दूसरा आइसोटोप आइसोबार समझता है क्या आपको? यानी कि जब किसी एलिमेंट में से एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जाता तो उसका जो दूसरा, उसका दूसरा भाई बिरादरी का जो बनता उसको क्या बोलते हैं आइसोटोप, रहता तो यूरेनियम ही लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद कम और ज्यादा रहती, प्रॉपर्टी वो रहती लेकिन काय की तादाद बिखरती, खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन उसको क्या बोलते हैं हम आइसोटोप। ये बहुत सारे आइसोटोप पैदा करने का, क्योंकि यूरेनियम के अंदर क्या फिजन के अंदर क्या होता, दो अलग अलग बनते ना बेरियम और क्रिप्टॉन, फिर आगे जाके और बनते, ये जो सब बनते एलिमेंट ही है तो एक ही एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप बनते, इसका मतलब फिजन प्रोडक्ट ये न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होती, लिहाजा न्यूक्लियर रिएक्टर आइसोटोप पैदा करने के वास्ते इस्तेमाल होता। और एक क्या इसका इस्तेमाल है, साइंटिफिक रिसर्च में भी इस्तेमाल करते, रिएक्टर प्रोड्यूस द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल नीडेड फॉर रिसर्च पर्पस, रिएक्टर प्रोवाइड ह्यूज सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन एंड यूजिंग दीज न्यूट्रॉन सेवरल यूजफुल आइसोटोप हैव बीन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। क्या होता न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर फ्यूजन होता, न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत सारे न्यूट्रॉन पैदा होते और ये न्यूट्रॉन अलग अलग पर्पस के वास्ते काम आते, ये न्यूट्रॉन स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ न्यूट्रॉन ऑन बायोलॉजिकल टिश्यूज रिएक्टर में आल्सो बी यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ रेडिएशन डैमेज, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर का कहां कहां इस्तेमाल है, साइंटिफिक यूज भी है, रेडियो आइसोटोप एलिमेंट पैदा करने के वास्ते भी है और कहीं एक न्यूक्लियर पावर के वास्ते एनर्जी पैदा करने के वास्ते भी है। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हारे काफी हद तक, पूरा नहीं भी तो? यस सर। चलिए अपन क्या देख रहे, न्यूक्लियर फ्यूजन, लास्ट आर्टिकल लेता हूं, न्यूक्लियर फ्यूजन देख रहे थे, क्या होता था फ्यूजन में, एक न्यूक्लियस टूटता था ब्रेक होता था, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ ए हेवी न्यूक्लियस इनटू टू पार्ट्स अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है नहीं, पठान फैजान बंद करो माइक, बराबर है साथ? यस सर। अब फीजन के लफ्जी मायने है बिखरना, टूट जाना, स्प्लिट होना, और फ्यूजन के क्या मायने है, मिल जाना। अच्छा फ्यूजन जब होता था तो एक न्यूक्लियस टूट के दो बनते थे, यस, और जब दो छोटों को मिला के जब एक बड़ा न्यूक्लियस बनेंगे तो वो कहलाएगा फ्यूजन। फ्यूजन की बिल्कुल अपोजिट जो न्यूक्लियर रिएक्शन रहेंगी वो कहलाएगी न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें क्या बोलते थे कि एक सिंगल बड़ा टूट के दो छोटों में तकसीम होता, यहां पे क्या होगा, दो छोटे लाइट मिलके क्या बनेंगे, एक सिंगल बड़ा बनेंगे न्यूक्लियस। यस, टू आर मोर लाइट न्यूक्लियाई विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल हेवी न्यूक्लियस। अब लाइट न्यूक्लियाई कौन है, वुमन, हेट्रोजन,
व्हेन फोर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आर फ्यूज टुगेदर, जब चार हाइड्रोजन एक जगह मिल जाते, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है एक, 1H1, 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 ऐसा चार मिल गए तो हेलियम न्यूक्लियस तैयार होता, Hg2+4। तो ये एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन को मिलाना क्या कहलाया? फ्यूजन। फ्यूजन बोला, ये जब मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे खुद से, खुद ब खुद आके कुछ तो भी करना पड़ेगा इनको, मतलब एनर्जी देना पड़ेगी, एम आई करेक्ट? दैट मीन्स जैसे आप न्यूक्लियर फ्यूजन करने को एनर्जी देते थे, वहां से एनर्जी निकलती थी, वैसे जब फ्यूजन को भी आपको एनर्जी देना पड़ेगी, और जब फ्यूजन को एनर्जी देंगे तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी, एंड व्हेन बाय कंबाइनिंग द टू आर मोर लाइट न्यूक्लियाई, व्हेन आर जॉइनिंग द टू आर मोर लाइट न्यूक्लियाई, सिंगल न्यूक्लियस इज फॉर्म, देन दिस फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन एंड मास ऑफ द सिंगल न्यूक्लियस जो फॉर्म होता है इज ऑलवेज लेस देन मासेस ऑफ इंडिविजुअल लाइट न्यूक्लियाई। ए छोटा लिए ए, उसकी मास थी समझो 4 ग्राम, दूसरा लिए छोटा, उसकी मास थी समझो 6 ग्राम, दोनों को मिला दिए तो न्यूक्लियस की कितनी आनी चाहिए थी मास तुम्हारे हिसाब से? 6 और 4 10। लेकिन क्या बोल रहे कि सिंगल की 10 नहीं रहती, बल्कि कितनी रहती उससे थोड़ी कम रहती, कम रहती। तो फिर मास कहां चले गई? पहले भी पढ़े अपुन ने, पहले फिर ये मास कहां कन्वर्ट हो गई? एनर्जी में तब्दील, एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। दिस डिफरेंस इन द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कौन बोला? आइंस्टाइन किसके कहने ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पर समझ में आ गया कि फ्यूजन तुम्हारा किसको बोलते? तो एग्जाम्पल है हेलियम की, चार हाइड्रोजन मिला के एक हेलियम बनता, योरी एनर्जी एनर्जी रिलीज व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन, जब जब दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होते तो उस वक्त भी एनर्जी क्या होती? रिलीज होती, रिलीज होती। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फ्यूजन, लेकिन फ्यूजन करने को भी एनर्जी लगती, ऐसा नहीं कि फ्यूजन नहीं करने, इधर उधर से लाके जमा के रखने को भी एनर्जी लगती, और वो एनर्जी बहुत ज्यादा रहती। ये बता रहे मैं आपको, एक देखिए अब ये फ्यूजन प्रोसेस को एनिमेशन से देखिए, दिख रहा क्या? यस सर। हाँ देखो, यस सर, सी हियर, सी हियर, देख देखिए, यस, क्या बन गया? ये हो गया फ्यूजन, और क्या निकल गए? थोड़े न्यूट्रॉन्स भी इमिट हुए और एनर्जी भी रिलीज हुई, ये हो गया फ्यूजन, ये उसकी रिएक्शन। बहुत सारे एलिमेंट फ्यूजन करते हुए आपको बता रहे, अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करे बोले तो क्या कितनी एनर्जी रिलीज हुई बोले तो आप क्या करेंगे? दोनों की मास का डिफरेंस लेंगे, जैसे आपने बोले ना 6 और 4 10 10 होना था लेकिन 10 नहीं है 9 6, कितनी एनर्जी कम हुई? 1। इसका मतलब 1 एटॉमिक मास जो है वो कन्वर्ट हो गई एनर्जी में। तो इफ यू वांट टू आस्क द कैलकुलेट द एनर्जी देन मास डिफरेंस इज नथिंग बट एनर्जी रिलीज्ड। आ गया समझ में आपके? टोटल मास बिफोर फ्यूजन माइनस टोटल मास आफ्टर फ्यूजन जो पहले बोले थे वो यहां पर भी देखिए, ये उसकी रिएक्शन है। 1 हाइड्रोजन + 1 3 वाला ये हीलियम न्यूक्लियस, मैंने बोला ना चार हाइड्रोजन एटम कंबाइन करे H12 और H13 कंबाइन करे तो क्या मिलता? क्या ये हीलियम है? हीलियम देखेगा हीलियम पीरियोडिक टेबल में Hg4, ये दो उसका एटॉमिक नंबर और 4 उसका मास नंबर। कितनी मास होती है उसकी कीमतें दी जा रही, न्यूक्लियर फ्यूजन को ऐसा बता सकते हैं। देखो यहाँ बिखरे हुए है, ये यहाँ पे आके क्या हो रहे? मिलते जा रहे, और फाइनल में हेलियम तैयार हो रहा है। जो अभी बताया ना रिएक्शन H12+H13=HE4, ये है वो। अगर आपको इसको मदद से देखने का है तो ऐसा समझ रहे आप क्या होता फ्यूजन में, क्या होता फ्यूजन में?
फ्यूजन में अलग होते सर, फ्यूजन में, फ्यूजन में मिल जाते हो, मिल जाते, उसको बोलते हैं। अगर आप इसको वही एनर्जी कितने, अभी यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि टेम्परेचर ऑफ द स्टार्स आर वेरी हाई एंड रेडिएट द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि ये जो वहां से जो एनर्जी मिलती सोर्स से, हम सन से जो एनर्जी मिलती वो एक न्यूक्लियर फ्यूजन का ही पार्ट है। द सन इज वन ऑफ द इन्यूमरेबल स्टार, सन रेडिएट द एनर्जी, कितनी एनर्जी रेडिएट करता हो, 3.8 × 10⁶ जूल्स ऑफ एनर्जी ईच सेकंड। सन से कितनी एनर्जी मिलती पर सेकंड अपने को, एंड द ओरिजिन ऑफ सच ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉन ग्रेविटेशनल, बट द फ्यूजन ऑफ द प्रोटॉन इज सपोज टू रिलीज द एनर्जी इन द सन एंड अदर स्टार्स। एक एग्जांपल आपको यहां पर दिए हैं, प्रोटो प्रोटॉन साइकिल की भी जो है तो उसमें भी फ्यूजन, तो लिहाजा ये स्टार्स एनर्जी इज प्रोड्यूस थ्रू द फ्यूजन रिएक्शन। Fusion occurs until it is produced because less energy is released than the energy required to fusion. के अंदर क्या होता, ज्यादा energy release होती neutron पैदा होते बोल के, लेकिन fusion के अंदर भी energy release होती, लेकिन जितनी fusion करने को energy लगती उसके comparison में कम energy release होती। Fusion और fusion में फर्क समझ में आ गया आपको? Fusion में nucleus का टूटना और बहुत ज्यादा energy का release होना बराबर है। फ्यूजन करने को भी एनर्जी लगती, अपने को भी कुछ ताकत लगाना पड़ती, बाद में ताकत निकलती भी उससे, यानी कि अपने को भी कुछ एनर्जी लगाना पड़ती और बाद में भी बहुत एनर्जी मिलती, काय में, फ्यूजन में। फ्यूजन में क्या होता, दो को मिलाने के वास्ते अपने को बहुत एनर्जी लगाना पड़ती, दोनों मिलते फ्यूजन होता, एक दो के एक बन जाते, ये जब रिएक्शन होती, ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस बनता, कुछ न्यूट्रॉन इमिट होते, एनर्जी भी रिलीज होती, लेकिन लगने वाली एनर्जी से मिलने वाली एनर्जी कम रहती, लगती ज्यादा मिलती कम। काय में, फ्यूजन में, और फ्यूजन में बहुत मिलती, कंटिन्यू है वो। कैसी रिएक्शन है वो, चैन रिएक्शन। आ गया समझ में आपके? Yes. Yes, sir. So with this one, this chapter is over. If you want to ask any question, you may ask. So with this one, our third chapter of this particular paper is over. Tomorrow, I will not take the period, but tomorrow I will put you the test of on X-ray. 3 days khulla rakhenge, hafta, itwar aur peer. जब तक आपने वो एमसीक्यू दे देना, जो नहीं है उनको भी बता देना, ठीक है? ओके सर। 3 chapters हमारे हो गए, अगले पीरियड में यानी कि जुमेरात को इंशाल्लाह हम 4th chapter जो आखिरी चैप्टर है इस सेमिस्टर का, इस पेपर नंबर 8 का हम स्टार्ट करेंगे। फैजान जुड़ने की कोशिश करो, फैजान बोले तो पठान, फैजान बोले तो फेरोज साहब के फर्जंद क्या? नहीं नहीं सर। अच्छा अच्छा वाले साहब का क्या नाम है? नसीर पठान। ठीक है, ज्वाइन होने की कोशिश करें। यस सर। और अंसारी को बोलिए साथ, और कल ग्रुप पर टेस्ट डालूंगा। कौन से चैप्टर पे? दूसरे चैप्टर पे। क्या नाम था दूसरे चैप्टर का? एक्सरे। यस। और जरा ये डीपी पे जरा फोटो वो हटा, जरा हीरो की उसकी फोटो रखता। नाम लिख और साथ अपना नाम लिख या कुछ लोगों के लिए, ठीक है? सो वी शैल स्टॉप हियर टुडे, इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन थर्सडे एट अवर रेगुलर टाइम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ नाइस टाइम। मे आई स्टॉप प्लीज? यस ओके, थैंक।